मैं इसे चेक कर रहा हूँ। क्या लिखा है हमने, ये बेसिकली नंबर लाइन बनाई है, राइट? जी सर। ओके, नाउ यू सी कि हमसे ये ए पूछा, राइट? इट इज 0/5, दैट इज 0, एंड इट इज 2/5, 3/5, तो ये 1/5 होना चाहिए, यही लिखा है आपने। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। यस सर। ओके, देन 3/5, 5/5, 6/5, तो ये लिखा है आपने, राइट? यस सर। ओके, इट इज करेक्ट। 7/5, देन 8/5, ये करेक्ट है, देन 9/5, ये करेक्ट है, 10/5, 11/5, 12/5। 10/5 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जी सर। 10/5 किसके बराबर होगा? ई के हैं? ई के बराबर। ई कहाँ है बेटा? ई से क्या मतलब है यहाँ पर? 10/5 तो यहाँ पर है। 10/5 कितना होता है ये पूछ रहा हूँ। ओके सर, 10/5 होता है 2 के बराबर। 2, तो ये बेसिकली 2 होता है। अच्छा, ये 5/5 बेसिकली क्या है जो सी लिखा है? One M. Five. Okay. Now you see, it is -12/6. It is as good as -2, right? जी। ये क्या लिखा है ये? Three क्यों है ये? -11/6 3 होता है? हाँ? नहीं सर। कौन सी एग्जाम्पल करी है ये? कौन सी करी है सर? और नीचे एक ब्लू कलर के बॉक्स में था। हाँ सर, नीचे वाला। ट्राई दिस। अरे ये जे लिखा हुआ है, तुमने उसको 3 लिख दिया है। ठीक से लिखना, मतलब ये भी मैं बताऊंगा, ये जे है ये। ओके सर, ये क्या है? 9/6। और ये क्या लिखा है? आई है, दूसरा एच है। एच को ऐसे लिखते हैं? उस समय फोन पे कर रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा था। फोन पे कर रहे थे? मतलब फोन पे किताब नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर है। फिर फोन से क्या मतलब? कॉपी पे लिख रहे हो, किताब तुम्हारे पास है, उसमें तुम्हें एच नहीं दिख रहा? सर मैं कल की लेक्चर फोन से देख रहा था, तो फोन में मैंने देख लिया। अरे बेटा, लेक्चर ही तो देख लिया ना, तो किताब देख के करना चाहिए ना। फोन में लेक्चर में ये देख लिया कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी सर। तो ये तुमने लिखा है, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर ये हम कर रहे थे यहाँ पर। ये एक एग्जांपल है, अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो एक बात सुनो, चाहे कम काम करो लेकिन वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए कि पक्का होना चाहिए, पक्का समझ में आना चाहिए, यानी कि उसको टाल दिया। और एक बात ये याद रखो कि जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा जो इम्तिहान है 2 महीने 1.5 महीने के बाद, उसके लिए पढ़ रहे हो। जी सर। नहीं आ रही बात समझ में? जी
अगर अभी तुमने सरसरी पढ़ा तो याद नहीं रहेगा उस टाइम, और ऐसा नहीं है कि उस टाइम में सारा कुछ खोल के मिला दूंगा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं फिर बाद में, क्योंकि एक टॉपिक थोड़ी है, इसको पढ़ के फौरन फिनिश करो, खत्म करो। आ रही है बात समझ में या नहीं? जी जी सर। हाँ, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको ऐसे मत समझो सरसरी, मतलब ये। Now the question is, write any three rational numbers between minus 2 and 0. So minus 2 और 0 के बीच में हम ये सारे rational number लिख सकते हैं। Yes sir. जब denominator same होता है तो हम 10-10 से multiply कर देते हैं numerator और denominator को। Yes sir. 100 से भी divide कर देते हैं, 100 से भी divide कर देते हैं और multiply भी कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से भी, तो 99 रेशनल नंबर मिल जाएंगे हमें। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या कर सकते? पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, हमें पहले डिनोमिनेटर को, तो पहले क्वेश्चन यही वाला लिखते हैं जो हमें दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इम्तिहान के अंदर जरूर आएगा, ये बात याद जी, हम इत्मीनान से कर रहे हैं, तुम्हें याद रहना चाहिए सारा का सारा, ये बात याद रखना। फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर का यहां पर के ध्यान से समझना आप। Now you see, this is one rational number and this is second rational number. But the denominators are not same. So what we will do, we shall equalize the denominators. इनके denominator हम same कर देंगे, तो उसके लिए पहला step हम क्या करेंगे कि denominator लेंगे 6 और 8. इनका क्या करेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूं इसको, 2 से करूं क्योंकि इवन नंबर्स हैं, तो 2 3 इज 6 एंड 2 4 इज 8, देन अगेन वापस 2 से, वापस मैं 2 से करूंगा 3 और 2, वापस 2 से करूंगा 3 और 1, और अब 3 से करूंगा, तो ये 8 और 3, तो 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 24, तो -5/6 को मुझे बदलना है, नीचे 24 लिखना है, तो ऊपर मैं क्या लिखूं, ऊपर भी अगर डिनोमिनेटर बदल रहा है तो न्यूमरेटर भी बदलेगा, ये बात याद रखना। अब न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं वो एक बार में समझ लो, जैसे मैं बता रहा हूं, जब फिर इसकी रिकॉर्डिंग देखते रहना। अब डिनोमिनेटर तो 6 से 24 हो गया, न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, तो न्यूमरेटर निकालने के लिए जो नया डिनोमिनेटर है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सुन लेना अच्छे से, जो नया डिनोमिनेटर है उसको पुराने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और पुराने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब कुल मिला के यही है कि जो पुराना डिनोमिनेटर है उसको पूरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5/6, और ये जितना भी आएगा इसको कहां पुट करना है, न्यूमरेटर में पुट करना है, तो कितना आएगा 6 × 6 6 4 दा 24, 4 5 दा 20, ये माइनस का साइन और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -20/24, ओके, तो -5/6 को मैं लिख सकता हूँ -20/24, और 5/8 को क्या लिखूंगा, 24 को नीचे आएगा ही आएगा, तो 5/8 है, इसको मैं नीचे 24 लिख दिया हूँ, तो अब 24 को मल्टीप्लाई करूंगा 5/8 से, तो 8 × 3 = 24 एंड 3 × 5 = 15, बात समझ में, तो ऊपर आ जाएगा 15, तो ऊपर ही आ गया 15,
Now our two numbers are minus 20 by 24 and 15 by 24. तो माइनस 20 बाय 24 और 15 बाय 24 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। एक है माइनस 19 बाय 24, एक है माइनस 18 बाय 24, एक है माइनस 17 बाय 24, इसी तरह से माइनस 16, 15 ऐसे करके 0 बाय 24, फिर आएगा 1 बाय 24, फिर आएगा 2 बाय 24, 3 बाय 24, इसी तरह से चलते चलते आएगा 14 बाय 24, फिर आएगा 15 by 24. So there are more than 20 numbers between minus 20 by 24 to 15 by 24. आप समझ में? So we can take any 10 of them. हमें 10 निकालने, तो basically examiner 10 निकलवाना नहीं चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि हमसे निकालना आता है कि नहीं आता. Okay? Unmute करके बताइए, समझ में आया या नहीं? जी सर. Okay, so the question is completed. Now let me move on another question. Alternate method है, एक alternate method और लिखा हुआ है. Let us find rational number between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में हमें rational number निकालना है. तो वो rational number वो क्या चीज है? We find that between 1 two given numbers we need not necessarily get an integer. But there will always lie a rational number. तो दो नंबर के बीच में अगर इंटीजर नहीं भी है तो भी रेशनल नंबर हो सकते हैं बहुत सारे. बात समझ में? उसका तरीका क्या है, मैं उसको तरीका आपको बताना चाहता हूं. सपोज एक रेशनल नंबर है 5/6 और दूसरा रेशनल नंबर है सपोज 7/6. ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका हमने क्या बताया था? पहला तरीका अभी बता रहा हूं. पहला तरीका बताया था कि ऊपर 50 कर दीजिए, नीचे 60, 0-0 लगा दीजिए. ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. इसी तरह से 7 में भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, नीचे 6 में भी मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इस 50/60 और 70/60 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? 51/60, 52/60, 53/60, ऐसे चलते चले जाएंगे 59/60, then 60/60. So all these numbers are in between these two rational numbers 5/6 and 7/6. क्या बात समझ में आ रही है? Yes sir. Okay. Now अब हम दूसरा तरीका समझेंगे इनको निकालने का. इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल, कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में? इनफाइनाइट सर. इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमसे तो दो चार छह सात निकलवाए जाते हैं. अब दूसरा तरीका समझो जो कि मैं ब्लैक पेन से समझाऊं. दूसरा तरीका क्या है? ये दोनों 5/6 और 7/6, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए. ये बताओ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, और ऊपर लिख लेंगे 5+7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ऊपर हो जाएगा 7 और 5 12/6 इनटू डिवाइड बाय, सॉरी ये 2 है, ठीक है, ये 6, ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 तो आंसर आ जाएगा 1. तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीच में बना रहा होगा. जब भी हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो खास बात क्या होती है, अगर एक रेशनल नंबर यहां पर है और दूसरा रेशनल नंबर, अगर फर्स्ट रेशनल नंबर यहां पर है और सेकंड रेशनल नंबर यहां पर है और हमने इस तरीके से रेशनल नंबर निकाला है, तो ये निकला हुआ रेशनल नंबर एग्जैक्टली मिडिल में आएगा. कहां पर आएगा? मिडिल में. मिडिल में आएगा. अब हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गए? मैं जरा सा पहले बोर्ड साफ करूंगा. नाउ यू सी, अब हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो गए.
फाइव बाई सिक्स, वन सेवन बाई सिक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइव बाई सिक्स, सिक्स बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स। क्या कोई परेशानी है, समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये वाला जो नंबर है ये है फाइव बाई सिक्स, और ये वाला जो नंबर है ये है सेवन बाई सिक्स, और ये वाला जो नंबर है ये है सिक्स बाई सिक्स। तो सिक्स बाई सिक्स इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में है या नहीं? जी सर, है बीच में, बिल्कुल मिडल में आएगा ये। इसकी खास बात क्या है, इस तरीके से निकालने तरीका क्या है कि इसको और इसको ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, टू से। डिवाइड किससे किया हमने, टू से। बात समझ में आ रही है? अब देखो जी सर, अब ये बताओ, एक ये वाला रेशनल नंबर और एक ये वाला, तो हम इसके बीच में भी, यहाँ बीच में भी कोई नंबर निकाल सकते हैं, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि 5 बाई सिक्स और 6 बाई सिक्स इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। डिनोमिनेटर 6 आएगा, ऊपर 5 और 6 का जोड़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से हम, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटे 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 11 बाई 12। तो यहाँ बिल्कुल बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 11 बाई 12। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। अगर हम यहां पे निकालना चाहें बीच में तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि 6 बाई 6 प्लस 7 बाई 6 इन दोनों का ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 ही आएगा, ये 6 प्लस 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से, 6 और 7 13 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 13 बाई 12। तो यहाँ बिल्कुल मिडिल में एक नंबर आएगा, उसको बोलेंगे 13 बाई 12। क्या नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है? जी। ओके, अब और तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। अगर हमने दो नंबर निकालने, दो नंबर क्या निकालना है, दो नंबर, दो नंबर, क्या क्या हम कर सकते हैं? मैंने तीन नंबर निकाल के दिखाए जी। अगर हमें दो नंबर निकालने, दो नंबर बराबर की दूरी, हम इनको एक बटे तीन से डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, एक बटे तीन से, सर 1/3 से। हाँ ओके, आगे बढ़ते, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर यही किया है, डिवाइडेड बाय टू किया है, या 1/2 मल्टीप्लाई लिख दो चाहे डिवाइडेड बाय टू लिख दो, एक ही बात, और ये इसको तुम ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है जी, ये जो भी पेज नंबर है, पेज नंबर 18 है, उसको पढ़ो। ये इन्होंने कैसे लिखा है, ये इन्होंने ये लिखा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, हम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो तीन नंबर हैं इनमें हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 by 6 is less than 11 by 12 is less than 6 by 6 is less than 13 by 12 is less than 7 by 6। क्या बात समझ में आ रही है? सबके डिनोमिनेटर बराबर कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा तो 12 है इसके अंदर, तो 11 by 12, इसका अगर 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई 12,
ये कितना हो जाएगा 12 बाई 12, 12 बाई 12 हो जाएगा, ये 13 बाई 12 भी रहेगा, ये कितना हो जाएगा 14 बाई 12। भाई डिनोमिनेटर दुगना हो रहा है तो न्यूमरेटर भी दुगना होगा, क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। फाइंड थ्री रेशनल नंबर, अगर हमें तीन रेशनल नंबर निकालने हैं तो क्या करेंगे आप? तो ये चीज मैं बता चुका हूं अभी, तीन निकालने वाले, तीन निकाले थे ना अभी, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला फिर तीसरा निकाला, तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है जी। और ये जो लिख के दिया है उन्होंने, ये वाली जो चीज लिख के दी है, दिख रहा है मेरा कर्सर? जी सर दिख रहा है। ये भी उन्होंने, ये भी मैंने अभी बता दिया आपको, अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करा दूंगा, पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा, ये आपको खुद से भी करनी है, एक बार देखेंगे भी मैंने कैसे करी है और फिर खुद से करेंगे, हो सकता है मैं एक एक दो दो सवाल कराऊंगा इसके खाली। ओके सर। उमर बहुत तेजी में करना है, अब टाइम कम है हमारे पास जी। अब ये सबसे पहला, ये एक्सरसाइज जो भी है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 और -5/6। इसके ऊपर कल बात हो चुकी है जी, कल वीडियो में भी मौजूद है ये जी, अपलोड करके आपको भेज भी चुका हूं मैं जी, आप कर भी चुके हैं इसको, तो इसको आप खुद करेंगे और मुझे भेज देंगे आज ही। पहले ओके, ये सर। पहले ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे, इनकी प्रॉपर फिगर बनाएंगे जी, सही से फोटो खींचेंगे और मुझे भेजेंगे आप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। क्या करेंगे सर? -2/11, -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको जीरो मान लेते हैं, इसको -1 मान ले, तो ये -1 जो है वो -11/11 लिख सकते हैं इसको जी सर। इसके 11 हिस्से करने हैं, कितने हिस्से करने हैं? 11, तो हमें कितने डिवीजन करने हैं? 10 डिवीजन करने हैं, अभी तो 11 हिस्से होंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, देखो एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा चार हिस्सा पांच हिस्सा छह हिस्सा सात हिस्सा आठ हिस्सा नौ हिस्सा दस हिस्सा ग्यारह हिस्सा, क्या बात समझ में आ रही है? ये है 0/11, ये है -1/11, ये है -2/11, ये है -3/11, यह -4/11, यह -5/11, यह -6/11, यह -7/11, यह -8/11, यह -9/11, यह -10/11 एंड दिस इज 11/-11/11। क्या बात समझ में आ गई जी? एक तो आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये, क्या बात समझ में आ रही है जी सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 और 4. नाउ राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 0. सर 2 है, 0 नहीं. स्मॉलर देन 2. ऐसे 5 रेशनल नंबर लिखिए जो स्मॉलर देन 2 हैं. बहुत आसान है, 2 से स्मॉलर 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, -5 भी. सब स्मॉलर ही तो है. यस सर. अगर हमसे ये कहते 0 और उसके बीच में, तो हम क्या लिखेंगे? 0 भी लिख देंगे, 1/2 भी लिख देंगे, 1/3 भी लिख देंगे, 1/4 भी लिख देंगे, 1/5 भी लिख देंगे, 1/6 भी लिख देंगे. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 2/6 भी लिख सकते हैं, 2/7 भी लिख सकते हैं. तो देयर आर मेनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. अच्छा ये बताओगे, एक सवाल का जवाब दोगे, 2 से छोटे होल नंबर कितने हैं? होल नंबर सर, सर सिर्फ 0 है, 1 नहीं है. यहाँ सर 1 भी है. 2 से छोटे इंटीजर कितने हैं? इंटीजर सर -1, -2, -3, -4, -5, -6 बहुत सारे हैं. 1 भी तो है. यस सर, 1 भी है, 1 और 0 भी है. 2 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हैं? 2 से छोटे नेचुरल नंबर है 0 और 1. 0 नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है 0. और नहीं सर, 1/1, 1/2, 1/3 सारे. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. तो -2/5 और 1/2, इसको प्रॉपर हम डिनोमिनेटर इनका बदल लेंगे, तो इसका 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20. नहीं, इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये आपका हो जाएगा 5. तो 10 रेशनल नंबर्स चाहिए, -4/10 और 5/10, तो एक हो जाएगा -3/10, एक हो जाएगा -4/10, एक हो जाएगा -5. एक मिनट, -3 के बाद 2 आएगा और ये -1/10, फिर हो जाएगा 0/10, फिर हो जाएगा 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, प्लस 4/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ही हुए, तो 2 और चाहिए, 2 2 और चाहिए. तो किसी भी 2 के बीच का एवरेज ले लो, यानी इन दोनों का ही ले लो, 1/10 प्लस 2/10, इसको 2 से डिवाइड करो, एक और मिल जाएगा. इसी तरह से -3/10 और प्लस -2/10, इसको ऐड करके डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो एक और मिल जाएगा. तो इस तरह से 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे आपको. बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका क्या है, कि यहां भी 0 लगा दो, यहां भी 0 लगा दो. तो लिख दो इसको -20/50 और दूसरे को लिख दो +10/20. तो इसको लिखो आप, -20 था ना ये, -20, तो -19/50, -18/50, -17/50. अब बहुत सारे लिख दोगे तुम, अब तुम्हें एवरेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. एक दूसरा तरीका ये है, दोनों देख लेना, दूसरा तरीका ज्यादा आसान है, दूसरे में आप लिख सकते हो. ठीक है, ठीक. नाउ अनदर क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में?
0.5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसके और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल लें। यस सर। तो आप वही करो, 20/3 वो 20/30, 19/30, सॉरी ये छोटा है, इनमें छोटा कौन सा है? नहीं, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करोगे? पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, 2/3 का एलसीएम निकालना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। जी सर। तो ये हो जाएगा 10/15 और 4/5 किसके बराबर हो जाएगा? 12/15। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर। तो एक रेशनल नंबर तो आ रहा है 11/15 डायरेक्ट, ऐसे तो ये आ रहा है, और कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका ये है, इसको आप लिख लो, बेटा बात को समझ लो तुम। इसका तरीका क्या है कि ये जो 10/15 है इसको आप लिख लो 100/150। जी सर। और ये जो 12/15 है इसको आप लिख लो 120/150, है ना? अब आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, है ना? ऐसे चलते चले जाओगे तो आखिर में मिलेगा 109/150। तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी सर। आफ्टर दैट लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अब आखिरी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो 1, 0, 2, sorry, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, all these numbers are rational numbers and greater than -2. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. डिनोमिनेटर इक्वेट करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। सर मैं 7th वाला होमवर्क कर लूंगा? सारा ही होमवर्क करना है तुम्हें, सारे सवाल? नहीं सर, 7th वाला ओनली। सारे करिए और जो आपने ओके ओके सर पूरा एक्सरसाइज